हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंघानिया। मैं फिर से आया यूट्यूब चैनल पे द सिंघानिया ग्रुप के। आज मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बहुत ही अच्छा और बहुत ही परफेक्ट प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको गारंटीड मैच्योरिटी मिलती है। आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो सब पूछते हैं कि इसका अमाउंट मैं जमा कर रहा हूँ, इसकी गारंटी क्या है। तो यही एक मलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आज की डेट में ही आपको पता चल जाता है कि आपने इतने साल अगर जमा किया तो एक सर्टेन अमाउंट जो आपको कितना मिलेगा। तो सबसे अच्छी बात है कि इसका पीडीएफ भी मैंने आप सबको सेंड कर दिया है, अदरवाइज आप नीचे मेरे लिंक में भी इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें आप 5,000 रुपये एनुअली प्रीमियम से भी शुरुआत कर सकते हैं, और मैक्सिमम अमाउंट जो इसकी जमा करने की है वो है 1,00,000 रुपीज़, क्योंकि कंपनी के कुछ अपने क्लॉज है, ये 1,00,000 रुपीज़ के ऊपर लेते नहीं है। तो कोई भी सिंगल इंडिविजुअल या इंडिविजुअल पैन कार्ड पर ये एनुअली प्रीमियम 1,00,000 रुपए से ऊपर नहीं लिया जाता है, और मिनिमम टोकन साइज 5 ईयर्स की है। तो इस समय जो इसका टर्म है, आप 10 PPT और 15 PPT, 10 PPT से 10 PPT और 7 PPT का आप प्लान ले सकते हैं। मतलब प्रीमियम पेइंग टर्म आपको 10 साल जमा करना है, आपको 7 साल जमा करना है। तो आप ब्रोशर में देखेंगे कि जैसे सपोज करिए आपने 5,000 का ही जमा किया, ठीक है, तो 7 PPT मतलब 7 साल आपने जमा किया, और 15वें पर आपको मेच्योरिटी पेइंग जो है आपको 15 पर मेच्योरिटी। तो आपका जो रिस्क कवर भी जाएगा वो आपके 15वें साल तक मेंटेन रहेगा, और आपको 7 साल 35,000 रुपए देना है, और आपको बोनस और ये सारी चीज करके ब्रोशर में सबसे लास्ट में आप आएंगे तो उसमें लिखा होगा मेच्योरिटी अमाउंट, तो उतना आपको 15वें साल तक जमा होगा। अब लोगों के मन में कंफ्यूजन होती है कि किसी ने सपोज करिए 2 प्रीमियम ही पे किया तो उसके बाद वो कैपेबल ही नहीं है, उसने प्रीमियम वो पे नहीं कर पाया, तो कोई नहीं। आज IRDA के रूल के हिसाब से अगर आपने 2 PPT भी जमा की है, ठीक है, तो उसकी जो भी सरेंडर वैल्यू बनती है उस वैल्यू पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे ले करके आपको वही अमाउंट 15वें साल पे जब आपका पेजअप होगा तो आपको वो पैसा दे दिया जाएगा। तो इससे लैप्स होने की भी दिक्कत नहीं है, आपको बस मिनिमम प्रीमियम 2 साल का देना ही देना है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। किसी का क्वेश्चन होता है कि 2 साल कोई जमा किया उसके बाद उसकी डेथ हो गई, फिर वो कैसे होगा। अब इसके भी बारे में बताता हूँ, अगर 2 साल उसने प्रीमियम पे किया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई तो उसे प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेथ में रिस्क कवर तो आपका मेंटेन है। तो जो भी अमाउंट सर्टेन वो आप जमा कर रहे हैं तो उसका 10 टाइम का आपका रिस्क कवर होता है। तो सपोज करिए आपने 5,000 रुपए 2 साल तक जमा किया तो एनुअली प्रीमियम का 10 टाइम तो आपको 50,000 रुपए का रिस्क कवर तो वैसे ही मेंटेन है। आपने 2 साल जमा किया तो फिर उसके बाद जैसे ही डेथ हुई तो आपका क्लेम बेनिफिट 50,000 रुपए आपके नॉमिनी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आते हैं फिक्स मेच्योरिटी अमाउंट के बारे में। मैंने बता ही दिया है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट अगर आप पूरा पे करते हैं 7 ईयर्स तक तो आपको 15वें साल पे जो फिक्स अमाउंट मिलती है वो फर्स्ट डे से आपको पता होती है कि कितना अमाउंट मिलेगा। अब मैक्सिमम अमाउंट बता दिया 1,00,000 रुपीज के ऊपर नहीं होता है, तो मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज इसमें कुछ लिमिटेशन हुई है कि आप 18 साल की एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 15 साल की एज, सॉरी 55 साल की एज। तो 18 से 55 साल के ऊपर आपकी उम्र एक दिन भी ज्यादा है तो आप इस प्लान में एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो ये था इस प्लान के बारे में, बजाज अलियंस POS गोल सुरक्षा, जो कि कभी बच्चों के फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी प्लानिंग के लिए, कि अगर 5 साल के हैं वो अभी अभी 3 साल या 4 साल के, तो आप प्रपोजर बन के उनके नाम पे FD की तरह, ये बेसिकली FD को बीट करने का प्लान है, जिसके साथ इसने रिस्क कवर भी मेंटेन करके दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं सपोज करूंगा कि आप इसको अच्छे से देखिए, इस वीडियो को आप ब्रोशर्स को भी रीड करिए, और उसके बाद आप इस प्लान के बारे में अच्छे समझिए और इस प्लान को खुद लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है बजाज अलियंस का, आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह मैं और भी वीडियोस प्रोजेक्ट के अपलोड करता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को द सिंघानिया ग्रुप्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, नंबर में आपके डिस्प्ले पे भी मेंशन होता रहेगा 9682468888। थैंक यू सो मच। थैंक यू।